गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन ईवीएस क्लास। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ईवीएस में चैप्टर 9 डोमेस्टिक एनिमल्स। तो हम डोमेस्टिक मतलब घरेलू एनिमल्स जो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाते और हम जैसे फार्म हाउस घर वगैरह में रख सकते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। तो यहाँ बेटा आपको कुछ पिक्चर्स शो हो रही हैं, तो आपने इसको आइडेंटिफाई करके पिक्चर्स के और एनिमल्स का नाम यहाँ राइट करना है। देन है डोमेस्टिक एनिमल, मैं आपको बताऊँगी कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। काउज, बफेलोज, ऑक्सन, कैट, डॉग, शीप, गोट, पिग्स, हैंस एंड डक्स आर डोमेस्टिक एनिमल। आपको पता है लोग इनको अपने घरों में पाल सकते हैं। और एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह से वो हमें हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले रीड करेंगे एनिमल्स दैट गिव अस फूड, मतलब जो एनिमल हमें फूड देते हैं, किसी ना किसी रूप में खाना देते हैं, उनके बारे में हम रीड करते हैं। तो यहाँ आपको काउ दिखाई दे रही है। काउ से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है और मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे मिल्क से बटर बनता है, चीज़ बनती है, कर्ड बनता है, घी बनता है। तो ये देखो यहाँ पर जो दे रखा है। और नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डू यू नो दैट कैमल्स एंड या काल्सो गिव मिल्क एंड पीपल ड्रिंक देयर मिल्क। जो कैमल्स होते हैं और यॉक होते हैं वो भी मिल्क देते हैं और उनका दूध लोग पीते हैं। देन है उसके बाद यहाँ पे बेटा एक क्रिएटिविटी दे रखी है। तो यहाँ पेपर से बेटा आपको एक मास्क बनाना सिखाया गया है। तो आपने इस जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, मटेरियल बताया गया है, उसको यूज़ करके आपने ये क्रिएटिविटी क्रिएट करनी है। देन एनिमल्स दैट गिव अस मीट, आपको पता है कुछ एनिमल्स मीट देते हैं जैसे हैन, गोट और शीप। इन एनिमल के मीट को लोग खाने में यूज़ करते हैं। और कुछ एनिमल जो हमें एग देते हैं वो कौन से हैं, हैंस, कॉक्स एंड डक्स। ठीक है, ये एनिमल्स हैं जो हमें एग देते हैं। देन हनी, आपको पता है मैंने इंग्लिश के चैप्टर में रीड करवाया था हनी। तो आपको पता है हनी कौन देता है, हमें हनी बीज, वो भी एक इंसेक्ट है जो हमें हनी देती है। हनी क्या होता है, एक स्वीट जूस जिसे नेक्टर बोला जाता है। और जो बी होती है वो अपने बी हाई में नेक्टर को कलेक्ट करती है, उसके बाद कुछ दिनों बाद ये जो नेक्टर होता है वो हनी में चेंज हो जाता है। देन एनिमल्स दैट हेल्प अस विद क्लोथ्स, आपको पता है कुछ क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल्स के जो होती हैं उनका उनसे जो हमें मिलती है, इनके देखो फर वगैरह मिलती है, उनसे हम क्लोथ्स बनाते हैं जैसे शीप, याक एंड सिल्क वॉर्म। आपको पता है ना ये एनिमल है हमें फर देते हैं जिससे हम अपने क्लोथ्स तैयार करते हैं। वुलन के क्लोथ्स इन्हीं एनिमल के फर से बनाए जाते हैं। देन है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें फार्मिंग और ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, वो कौन से हैं, ये देखो ये हैं ट्रांसपोर्ट मतलब भार उठाते हैं ये एनिमल्स, जैसे बुलॉक है, हॉर्स है, एलिफेंट, कैमल एंड लास्ट में क्या है, एस मतलब डंकी को कहा जाता है। ये क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्म मतलब खेतों में भी काम कर सकते हैं और जो बोझा उठाने का काम वो भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 9 था जो मैंने आपको मेन ब्रीफली मैंने आपको बता दिया। समरी क्या थी इसकी मैंने आपको क्लियर कर दी। उसके बाद बेटा आपने केयरफुली वन लाइन अप करके इसको रीड करना है और इसको समझना है।